हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगी कि ये PLI स्कीम क्या है और गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम किस उद्देश्य से लाई गई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ में जो मैंने DPIIT के बारे में लिखा है उसको भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं PLI स्कीम के बारे में। पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम, आई एम PhD इन इकोनॉमिक्स एंड स्टूडेंट, आई एम UGC नेट क्वालिफाइड ऑल्सो एंड माई स्पेशल पेपर इज इकोनोमेट्रिक्स। स्टूडेंट, मेरे द्वारा UGC नेट, PGT, UPSC एंड स्टेट सर्विसेज की क्लासेस ली जाती है। इसमें एडमिशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 7891851566। स्टूडेंट, आपने द हिंदू में, बिजनेस स्टैंडर्ड में और इकोनॉमिक्स टाइम में ये न्यूज पढ़ी होगी कि मीति के द्वारा 14 एलिजिबल एप्लीकेंट्स चुने गए हैं PLI स्कीम के लिए। सबसे पहले मीति क्या है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा 14 एप्लीकेंट्स को चुना गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। तो हम ये जानेंगे कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम के अंतर्गत कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसमें दूसरी बात जो कही गई है, इस मीति के द्वारा PLI स्कीम के लिए जितने एप्लीकेंट्स चुने गए हैं 3 मार्च 2021 तक, उनको 4% इंसेंटिव की बात की गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज PLI। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जैसा इसका नाम है स्टूडेंट, वैसा ही इसका काम है ना। प्रोडक्शन, ये उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की योजना है ना, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इकाई या जो भी उद्योग अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, उस बढ़े हुए उत्पादन पर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा या उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सटेंड दिस स्कीम टू 8 अदर सेक्टर्स आल्सो। देखो स्टूडेंट, इसमें किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा। मान लो कि वर्तमान में किसी इंडस्ट्री की सेल है, ये किस सेल पर दिया जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीमेंटल सेल पर। आपकी बिक्री में जो वृद्धि होगी ये उस पर दिया जाएगा। सपोज किसी उद्योग की करंट सेल मान लिया 2 लाख है, ठीक है, इनकी बिक्री बढ़कर करके 2.2 लाख हो जाती है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20,000। तो इस बढ़े हुए सेल पर, इंक्रीमेंटल सेल पर, गवर्नमेंट के द्वारा 4% से लेकर के 6% इंसेंटिव या प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 800 हो गया। तो इसी तरीके से इंक्रीमेंट दिया जाएगा जो कि इंक्रीमेंटल या एडिशनल सेल पर होगा। उद्योगों के द्वारा जो अपने सेल में वृद्धि की जाएगी उस पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन की ये योजना है। तो ये योजना सरकार ने किस उद्देश्य से ये योजना लाई गई है और ये योजना किसके लिए शुरुआत की गई? सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए ये PLI स्कीम को अनुमोदित किया है। अब स्टूडेंट, ये व्हाइट गुड्स क्या है? देखो, हमारे घरों में जो TV, फ्रिज, एयर कंडीशन, ये सारे जो होते थे पहले व्हाइट कलर के होते थे, इसलिए इन्हें व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, व्हाइट गुड्स ही कहा जाता है। अभी तो मल्टी कलर आ गया है, TV, फ्रिज हर कलर में उपलब्ध है, लेकिन शुरुआती दौर में जो भी एयर कंडीशन या फिर TV, फ्रिज, ये सारे व्हाइट होते थे, इसलिए ना व्हाइट गुड्स कहा जाता है। सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है ना, और उसको 8 और क्षेत्रों में बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई और मीति के द्वारा अपने कुछ क्षेत्रों को चुना भी गया है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने 6,238 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय से वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए और 28-29 के दौरान ये प्लान किया गया है। अब PLI स्कीम लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट्स? तो देखो, जब सरकार प्रोत्साहन की बात करती है, अगर उद्योगों के द्वारा अपने सेल को बढ़ाया जाएगा तो उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा,
इंसेंटिव दी जाएगी 4% या 6% की, तो जो इंडस्ट्री है वो अपने जितनी भी इकाइयां हैं अपने बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यही कहा गया है, व्हाइट गुड्स के विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी स्कीम लाई गई है, है ना। उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और बड़े निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छी योजना है। कोविड 19 के समय में जहां पर सारी इंडस्ट्री जूझ रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम और 8 क्षेत्रों के लिए लाने की बात की जा रही है और मीति के द्वारा अपने एप्लीकेंट्स को चुना गया है, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही बढ़िया प्रोत्साहन है। इस प्रोत्साहन की राशि को पाने के लिए, ये इंसेंटिव पाने के लिए उद्योगों के द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब देखो, इसको इसकी घोषणा की गई है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। ये किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT आता है, जिसके द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स ये लाई गई है। अब DPIIT के बारे में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में और इट वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इसका पुनर्गठन भी किया गया था, 2000 में, ठीक है। तो इसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा PLI स्कीम की घोषणा की गई। स्टूडेंट आपके लिए इसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि PLI स्कीम क्या है, दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें इंसेंटिव कितने परसेंट इंसेंटिव की बात की गई है, तीसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, चौथी बात आपको ध्यान रखने के लायक है स्टूडेंट की इसमें ये जो हमारी PLI स्कीम है ये किसके लिए लाई गई है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चार चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को दोबारा से चला करके देखें। और जैसा मैंने शुरू वाला न्यूज बताया, ये न्यूज था कि PLI स्कीम मीति के द्वारा 14 एलिजिबल एप्लीकेंट्स को अप्रूव किया है मीति ने, उनको PLI स्कीम के लिए। तो देखो इसमें भी दिया जा रहा है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी दिया जा रहा है, व्हाइट गुड्स में भी दिया जा रहा है और 8 अन्य क्षेत्रों में भी इस स्कीम को फैलाने की बात की जा रही है। तो ये हमारे उद्योगों को एक प्रोत्साहन के रूप में ये उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना लाई गई है। तो स्टूडेंट आप चाहे UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, BPSC के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए कर रहे हो, या आप GRF के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए तैयारी कर रहे, ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा कहती हूँ इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर दे आर कनेक्टेड, तो ये इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी है और करंट अफेयर भी है। तो स्टूडेंट इसको आप दोबारा से चला करके देखिए और अपना नोट्स बनाइए, और मैंने जो मेन पॉइंट्स जो आपके लिए होना चाहिए एग्जाम के लिए जरूरी, वो आपको बता दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।